विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तरगतं पश्यन् नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधशमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमो तये नमइदम् श्री दक्षिणामूर्तये। वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटिशमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकारेषु सर्वदा। वागर्थाविवशं प्रिक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विन्दायत पत्रनेत्रो येन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुष तं शर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोस्तुते वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोषि
वासुदेव नमोस्तुते। ॐ शारदा शारदां भोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीकृष्ण गोविंद हरे Yeah.
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे समय के चक्र में प्रतिपल परिवर्तन घटित हो रहा है। कहां ब्रज रज जहां पर भगवान ने क्रीड़ा की, गोप गोपांगनाओं के बीच उनकी लीलाओं का चलता हुआ प्रसंग, उसी के साथ मथुरा में जाकर कंस का वध, न मालूम कब से जन्म जन्मांतर से जिनकी उस मधुमयी झांकी का दर्शन करने की ललक और लालसा थी जिनके अंदर, माता देवकी और वसुदेव के साथ साथ कुब्जा और कहीं माली है, कहीं तो उद्धव है, उन सब के साथ रहते हुए भगवान जब जरासंध को पता चला तो पूरे दल बल के साथ आक्रमण की योजना बनाई। भगवान ने जरासंध के प्रयत्न को विफल कर दिया, किंतु एक निरापद और ऐसा जहां पर शत्रु का प्रवेश न हो सके ऐसे स्थान की खोज की। उस खोज का केंद्र बनता है, लक्ष्य बनता है गुजरात के पश्चिम में सागर के मध्य द्वारकापुरी। भगवान ने द्वारकापुरी बसाई। समय के साथ अध्याय और आगे बढ़े, माता देवकी और वसुदेव की कामना है हमारे सामाजिक जीवन
का एक अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ अध्याय है, वह वंश परंपरा का, वंश वृद्धि का, जिसकी सहज कामना सभी को होती है। उसी अध्याय के साथ भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह करते हैं। बलराम जी महाराज का विवाह रेवती के साथ हुआ है, रेवत राजा की कन्या रेवती के साथ। किंतु विवाह की फलश्रुति संतान के साथ में है। उस संतान की व्यवस्था में भगवान को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चारों तरफ द्वारिका खुशी से मानो नाच उठी, द्वारकावासी उत्सव मना रहे हैं। लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, अचानक जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया, जिस नवजात शिशु का, अचानक शुद्धि का ग्रह से ही गायब हो गया, किसी ने अपहरण कर लिया। इतनी मजबूत रक्षा पंक्ति जिस पुरी की हो, भगवान ने द्वारकापुरी को यह सोच करके बसाया कि यह निरापद हमारी निवास पुरी होगी, लेकिन अपने महल से ही और खास करके अपने अंतिम सुरक्षित प्रकोष्ठ से ही एक बहुत ही अकल्पनीय घटना बन गई। प्रद्युम्न वहां से गायब हो गए। बात यह है कि प्रद्युम्न का अपहरण शंबरासुर ने कर लिया था, क्योंकि शंबरासुर को पता था कि प्रद्युम्न के द्वारा मेरी मृत्यु है, तो जिससे अपनी मृत्यु है उसको आगे क्यों बढ़ने दिया जाए। वो प्रबल हो, मजबूत हो और उसकी सामर्थ्य भी विकसित हो, इसके पहले ही उसको क्यों न खत्म कर दिया जाए। शंबरासुर की योजना के अंतर्गत प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया गया है। लेकिन व्यक्ति कुछ कर ले, ये व्यक्ति की सोच और उसके सामर्थ्य पर निर्भर कर सकता है, लेकिन कोई अदृष्ट शक्ति है, अगर अदृष्ट को मान्य नहीं है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शंबरासुर समुद्र में तो फेंक देता है, लेकिन प्रद्युम्न अनजाने में ही उसके पास पहुंच जाते हैं। शंबरासुर को पता भी नहीं है, कुछ मछुओं ने मछलियों को पकड़ने के ब्याज में उनका काम था और मछली एक ऐसी पकड़ में आ गई जिसे कोई नहीं जानता था। लेकिन जब वह शंबरासुर, ध्यान दें सज्जनों, शंबरासुर की पाकशाला में क्या बनता होगा आप कल्पना कर सकते हैं। उसकी पाकशाला शाकाहारी पाकशाला तो नहीं थी, अगर शाकाहारी पाकशाला होती तो शायद मछली वहां पर नहीं पहुंचती।
लेकिन मछली जब पहुंचती है तो मछली को क्या किया जाएगा? आप सोच सकते हैं, यह तो मैं नहीं कहूंगा कि मछली को क्या किया गया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मछली के पेट से एक शिशु निकला और पाकशाला जिसके हाथ में है, पाकशाला की व्यवस्था जिसके हाथ में है, प्रबंधकर्त्री पाकशाला की, वह एक युवती है। धीरे धीरे अचानक पता नहीं चला, वह नवजात शिशु छिपा दिया गया था, बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते युवक हो गया। एक दिन उस युवक ने देखा कि ये जो मेरी पालिका है, मुझे पालन करने वाली, जो सब तरह से मेरा ध्यान रखती है, इसके मन में कुछ अन्यथा बातें पैदा हो रही हैं। पालिका तो मां की तरह से होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ अन्यथा भाव काम विकार के रूप में दिख रहे हैं। ये सोचकर वह थोड़ा सा अपने आप में विचार में पड़ जाता है। इसी के साथ कहा है।